सिर्फ एक ही यही गुरु हैं, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंशा। अगर ये सरकार चाहती है कि देश का भला हो, देश में अच्छा कुछ हो, यह नौजवान पीढ़ी है हमारी वो अच्छे ढंग से चले, तो वो ही बचा सकते हैं, वरना दुनिया में मैं नहीं समझती कि कोई ताकत है कि वो बचा ले किसी को। ये में क्या बदलाव आया जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के साथ जुड़ी हुई हैं? क्या है इनका एक्सपीरियंस 40 सालों का, जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके? नमस्कार मैम, 40 सालों से आ रहे हैं डेरा से? तो हाँ जी, कितनी आस्था कितना विश्वास करते हैं मैम गुरु जी के? मैम तकरीबन मुझे हो गए यहाँ 42-43 साल हो गए आते हुए डेरे में, आज तक हमने तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखा ही नहीं है जो मीडिया बकवास कर रहा है, बाहर टीवियों पे दिखा रहा है, ये सब कुछ झूठ क्यों दिखा रहा है? मान लो हमारे गुरुजी ने ये बुराइयाँ छुड़वा के, वेश्यावृत्ति को ख़त्म करके, नशावृत्ति सब बंद करके, उन्होंने अच्छी लाइन पे हमें लिया है, अच्छे से गाइड किया है, क्या उनकी यही सजा है जो भी है? मतलब हमारे गुरुजी ने ऐसा क्या किया है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, जहाँ इतने गलत काम हो रहे हैं वहाँ कुछ भी मीडिया उनको कुछ नहीं कहेगा, ना उनके बयान लेंगे। जैसे हम लोगों को पंचकुला गए, हम वहाँ पे हमें मना कर दिया गया, हम बोल रहे थे कि हमें गुरुजी के सामने कुछ बोलना है, मतलब गुरुजी के जो सच्चाई है, क्योंकि हम शुरू से ही यहाँ रहे हैं, आखिर हमें वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जो मीडिया वालों को दिखाई दिया, हमें क्यों नहीं दिखाई दिया वो? आज तक हम यहाँ रह रहे, हमारे गुरु तो बिल्कुल निर्दोष है, उनको फंसाया गया है, जानबूझ के फंसाया गया है, ये हम दावे के साथ बोल रहे हैं। आप 40 सालों में कभी गुफा में गए हो मैम? मैम 40 साल से गुफा में क्या, हम गुफा के पास जब मर्जी चले जाए, कोई ऐसी बात ही नहीं है वहाँ पे। और जो ये होटल बाहर जैसे मैनेजमेंट जो भी है, या जैसे मैरिज पैलेस है, उसको इन लोगों ने गुफा बना के दिखाया गया अंदर से, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इन्होंने लोगों ने मतलब टीवी पे हमारे गुरुजी की जानबूझकर बदनामी करने के लिए, ये क्या समझते हैं कि हम ऐसे बदनाम करके वो हमें मतलब पीछे हटा लेंगे? हम उससे भी ज़्यादा आज भी आ रहे हैं और आते रहेंगे जब तक सांस में सांस है। हम तो बोल रहे हैं कि हमें चाहे गोली भी मार दे, हम तब भी यहाँ आएंगे, और शुरू से जुड़े हैं, 40 साल से नहीं मैम, हमें 45 साल से आ रहे हैं हम। नरकंकाल की सच्चाई क्या? कुछ भी सच्चाई नहीं है मैडम, इसके पीछे कुछ भी सच्चाई नहीं है। कोई एक बात भी अगर हमें बोलेगा कि ये बात सच निकली, हम अपनी गर्दन दे देंगे उसको, पर एक बार ये सच्चाई निकाल के दिखाए कोई कि ये बात सच है, पर ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये सब बकवास है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, ये तमाम आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं, मैं आपको बता तो रही हूँ, आम इंसान अगर सच्चे रास्ते पे चलता है तो उसके पीछे 10 आ जाते हैं। वो तो गुरुजी हैं, उन्होंने इतनी करोड़ों दुनिया को मतलब सीधे रास्ते पे चलाया है, तो उनके पीछे तो इसलिए सिर्फ लगी है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। हमारे गुरुजी तो कभी गलत, यही आरोप जैसे कि पिताजी यहाँ पे बैठते हैं, सब लोगों को उन्होंने, जो लड़कियाँ गुमराह हो रही हैं, नौजवान जो भी पीढ़ी है, उनको हमेशा यही शिक्षा दी है कि आप इस लाइन पे चलो, यानी कि बुराइयाँ छुड़वा के उनको अच्छे रास्ते पे लेके आए गुरुजी, तो वही आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या ये छोटी बात नहीं है? ये जानबूझकर किसी जैसे इंसान को बदनाम करते हैं, उन लोगों ने भी यही सोचा कि ये एक इंसान है, लेकिन ये आम इंसान नहीं है। हम अब भी बोल रहे हैं और जब सांस में सांस रहेगी हम यही बोलेंगे, क्योंकि हम 45 साल हो गए हैं मैम हमें आते हुए, आज तक हमें तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, आखिर कुछ तो ऐसा होता जो हमें दिखाई देता। मैम कौन लोग हैं, आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो इस तरीके से? मैम कौन लोग क्या है, आपको भी पता है, ये पूरी दुनिया को पता है, ये कौन लोग हो सकते हैं जिनको जलस होती है, यानी कि अच्छाई से जलस होती है जिनको, तो वही लोग होंगे, वरना जिनको सच्चाई सच अच्छा लगेगा वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग आज भी हमारे साथ हैं, शुरू से वो साथ हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं कैनेडा में हमारे जो हैं, मतलब सत्संगी वो भी हमारी फ्रेंड भी है, वो यहाँ पे आती है, लेकिन सबको ये सच पता है कि हमारे गुरुजी कभी गलत नहीं थे। और कुछ लोगों के कहने से हम ये थोड़ा मान लेंगे, इन लोगों ने ये सोचा कि हम हटा लेंगे इनको, सिरसा नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, पर हम आज भी यहाँ महीना महीना पड़े रहते हैं, हम सेवा पे आते हैं। हमारे गुरुजी से तो हमें ना इतना कुछ मिला है, मैं आपको बताऊँ ना तो सुबह से शाम हो जाएगी अगर हम ये चीज़ करने लगें कि हमें गुरुजी से क्या मिला है। ये बोलो आप कि हमें मिला क्या नहीं यहाँ से? समाज के लिए क्या किया गुरुजी ने? मैम समाज के लिए तो आपको भी पता है, अब देखो जैसे पौधे हैं, पहले कोई इतने पौधे नहीं लगाता था, तो अब जहाँ मर्जी देख लो आप पौधे लगा रही हैं। जैसे हमारे जो ग्रीन एस के मेंबर हैं,
वो जा जा के घरों में सैनिटाइज किया, गुरुद्वारों में, कहीं भी, क्योंकि हम सर्वधर्म संगम यानी कि सब धर्मों को मानने वाले हैं। हमें किसी से कोई भी वो नहीं है, कोई जलस नहीं है, किसी को हम कुछ बोलते नहीं हैं। हमें लोग चाहे जो मर्जी बोलें, बल्कि हमें गुंडागर्दी का नाम दिया गया, हमने फिर भी ऐसे बोल दिया कि हाँ हमें मंजूर है। ये शिक्षा मैडम किसकी है ये बताओ आप। आम इंसान को अगर आप गाली दे दोगे, वो एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा दो थप्पड़ मारेगा, बट नहीं, ये हमारे गुरु जी की ही शिक्षा है कि हम आगे से हाथ जोड़ देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इन लोगों ने हमें इतना परेशान कर दिया कि आज इतना मन दुखी होता है, कई बार तो ऐसा दिल करता है कि इससे अच्छा तो मर ही जाए इंसान, इतना तंग कर दिया, इतने जलील हरकतें कर करके इन लोगों ने पंचकुला में हमारे ऊपर जो किया है वो तो पूरा नंगा जो नाच किया है ना, पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देखा है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा? आखिरकार हम सत्संग सुनते हैं, यहाँ सेवा करते हैं, हमारे गुरु जी से हमें वो चीज़ मिली है जो आज नौजवान पीढ़ी है, जैसे वो भटक रही है, लोग गलत हो रहे हैं, तो हमारे गुरु जी ने तो उनको बिल्कुल ही, जो भी डेरे में आते हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हैं और सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। और बाहर देख लो आप, दुनिया में जाके आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 4 साल होने वाले हैं अब गुरु जी नहीं है समाज में, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है मैम? आप ये देख लो कि 4 सालों में तबाही के अलावा और कुछ यहाँ हुआ है जी? इससे पहले जब गुरु जी यहाँ थे कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा बनने लगा था, पर जब से गुरु जी गए हैं उसके बाद एक भी रात कोई चैन से नहीं सोया है, क्योंकि इतने सेवादार हैं, इतने लोग जुड़े हैं, जो उनकी बरदुआएँ कहाँ सोने देंगी। एक दिन ऐसा आएगा जिन लोगों ने भी गुरु जी के बारे में गलत कहा है, और वो लोग ना मरने के लायक रहेंगे और ना जीने के लायक, ये दावा है मेरा, क्योंकि इतने दिनों से नाम ले रखा है। जो भी गुरु जी के ऊपर आरोप लगाएगा शायद उसको बोलने के लिए जबान भी नसीब ना होगी। वो समझते क्या है अपने आप को कि हाँ गुरु जी को बदनाम करके हमें पीछे हटा लेंगे? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मैडम। बस सरकार से मेरी यही अपील है कि अगर सभी चाहते हैं वो कि हाँ देश का भला हो, सिर्फ एक ही यही गुरु हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंशा, अगर ये सरकार चाहती है कि देश का भला हो, देश में अच्छा कुछ हो, या नौजवान पीढ़ी है हमारी वो अच्छे ढंग से चले, तो वो ही बचा सकते हैं। वरना दुनिया में मैं नहीं समझती कि कोई ताकत है कि वो बचा ले किसी को, वरना सब कुछ उल्टा पुल्टा होएगा। ये सजा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? संत जी को सजा तो वैसे ही दे रहे हैं, वो सजा के हकदार नहीं थे। सजा किसको मिल किस से हो रही है? सजा तो सबको ही मिल रही है, सजा के तो हकदार हम सारे ही हैं, क्योंकि ये हमें तिल तिल करके मार रहे हैं, आखिर हमारा दोष बताएं कि क्या है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार जनता सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों जिस संत ने करोड़ों लोगों का नशा दूर किया, समाज में लड़कियों को इज्जत दी, जिसने बेटा बेटी को एक बराबर दर्जा दिया, आखिर उसी संत को क्यों झूठे आरोपों में समाज से दूर किया गया? ये लगातार बोल रही है जनता, आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।